हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बज चुके हैं शाम के 4। क्या खा रही टीचर? कैसा है रसमलाई? अच्छा टेस्टी भी है। टेस्टी भी है क्या? मेरे घर से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है एक शंकर जी का मंदिर, वहाँ पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। रेडी हो? सैंडल निकाल लो अपना। हाइल्स पहनो की? तो चलिए लेके आप लोगों को चलते हैं शंकर जी के मंदिर। देखो ले जा रहा है ईशा, लेके जा रहा है एक छोटे से बच्चे को। हाँ ले जाने दो, कुछ नहीं कर रहा ना। अरे ये क्या कर रहा है? भूख लगी तो कुछ खिला दो बेचारे को, कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेके दे दो। खरीदेंगे ना फिर। हाँ तो तुम तो अकेले खा जाती हो सब, बिस्किट ला के खिलाना चाहिए ना घर से। टीशा कहाँ जा रहे हैं हम लोग पता है? हाँ पता है मंदिर। मैं हूँ बिलासपुर से सीपत रोड मार्ग पे, और यहाँ से स्ट्रेट जाना है सीधे मेरे को लगभग 17 किलोमीटर। तो नारियल और अगरबत्ती ले लिया जाए, यहाँ से नारियल और अगरबत्ती ले लेते हैं। पानी है इसमें, अगरबत्ती दे दो। ये हो गया नारियल, हो गया अगरबत्ती। ये है NTPC सीपत, और सीपत एक गांव है छोटा सा, लेकिन ये फेमस है NTPC की वजह से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये गेट है, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, और आगे इसी के एक गांव पड़ेगा कौड़िया, तो मेरे को जाना है उस कौड़िया गांव में जहाँ पे एक मंदिर है। उस मंदिर में मेरे को इसलिए जाना है क्योंकि मैंने कहा था कि इस मंदिर में मैं दर्शन करने आऊँगा, और बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा। बोलने के बाद उस मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाना ही चाहिए। ये है कौड़िया जाने का रास्ता, देखो एक छोटा सा टनल है, ये हम टनल में घुस चुके हैं, अब टनल से हम निकलेंगे बाहर। ये देखो, ये देखो, अरे टनल है टनल, और बहुत खूबसूरत सा मौसम हो चुका है दोस्तों भाइयों में बहनों। सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में, देखिए ये देखिए सनसेट होने ही वाला है। और अगर हम टाइम से नहीं पहुंच पाते तो इसकी पूरी जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये पहुँच गए हम कौड़िया, और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है चारों तरफ। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है यहाँ पे, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल भैंसा, क्या भैंस, ये देखो भैंस बफेलो, कितना सुंदर है बफेलो। मंदिर कहाँ है बाबा शंकर भगवान के? यहाँ से अपने को राइट लेना है, लगता है अभी जस्ट रोड बना है एकदम नया नया ताज़ा हमारे आने की खुशी में। यही मंदिर है, इनके बारे में मैंने सुना था तो मुझे भी उत्सुकता हुआ था इस मंदिर में आने का, तो मैंने सोचा था मैं भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आऊँगा, तो आज फाइनली आ गया हूँ। ये है देखिए श्री शैलेश्वर महादेव मंदिर कौड़िया, तो कौड़िया इस गाँव का नाम है। मंदिर प्रांगण में मैं आ चुका हूँ, और मंदिर शायद बंद है, गेट बंद है, लेकिन गेट से दिख जाएंगे भगवान जी। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। जय महादेव। ये देखिए लगा हुआ है गेट, और भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ से मैंने दर्शन कर लिया, जय शंकर भगवान। अरे बहुत बहुत बढ़िया हो गया। देखिए हम लोग का किस्मत, अभी मंदिर का दरवाज़ा बंद था और हम लोग थोड़ा सा रुके ही थे कि पंडित जी आ गए, अब हमें भगवान के और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। पंडित जी गेट खोल रहे हैं, अंधेरा था, अब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। शंकर भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, इससे पहले अंधेरा था।
चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में पंडित जी से जानते हैं, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं, जानते हैं मंदिर कब से हैं और क्या इनका इतिहास रहा है। बहुत ही मतलब कि दुर्लभ कहा जाए, केशव जी का मतलब कि विशेष एक सहयोग हुआ जिसमें एक गैया जो है आकर शिव जी के ऊपर चारों थन के द्वारा जो है शिव जी का अभिषेक करते थे वो, और साथ में बहुत ही सुंदर ढंग से मतलब कि शिव जी का एक कृपा मिला गाँव वाले को। फिर गांव के जो पुराने जो घोटिया थे उनको शिव जी मतलब स्वप्न दिए कि मैं स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, मैं आप मेरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाइए बनवाइए। अच्छा अच्छा। और तभी से मतलब कि पुराने गांव के जो घोटिया थे उन्होंने मतलब कि शिव जी का मंदिर स्थापना किए। और साथ महाशिवरात्रि में यहाँ भव्य मेला भी लगता है। अच्छा, शिवरात्रि मेला भी लगता है। भव्य मेला लगता है। अच्छा। और जो ये मनोकामना के उद्देश्य जो भीड़ लेके आते हैं, बाल बच्चे संबंधी है, कोई भी रोग है, आधी है, व्याधि है, और हर प्रकार से, तो उनका मनोकामना भगवान भोलेनाथ संपूर्ण करते हैं। स्वयं जमीन से निकले स्वयं स्वयंभू है, स्वयंभू महादेव। हाँ जी, और मुख्य नाम है भूफर महादेव के नाम से जाना जाता है। जी जी। और लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इनको? तो 7 पीढ़ी बता नहीं सकते। अच्छा, मतलब काफ़ी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। चलिए पंडित जी, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। यहाँ पे एक शिव कुंड भी है बता रहे हैं पंडित जी, ये वाला है क्या पंडित जी? अच्छा, शिव कुंड का खासियत है आप कितने भी मतलब पानी इसको बाहर निकाल दीजिए आप, अच्छा पूरा आप मतलब कि कपड़े में पोंछ पोंछ के निकाल दीजिए बाहर, जी जी, छूटता नहीं। प्रभावकारी बहुत सारी बीमारी में जो है, जैसे कभी के दाना आ जाता है, जी दाना जी। में मतलब कि जल को लगाइए या कुछ असाध्य कुछ बीमारी हुई तो जल मतलब कि पान करने से ही तो बहुत अच्छे फायदेमंद होता है। हर बीमारी के लिए हर चीज़ प्रयोग होता है। अच्छा, ये चमत्कारिक पानी बताया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। मंदिर प्रांगण में शीतला माँ का भी एक मंदिर है और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। ये देखिए, जय माँ शीतला, काफ़ी प्राचीन इमली का झाड़ है ये देखिए, और इमली झाड़ का छाया इस मंदिर में पड़ रहा है, तो ये भी एक अद्भुत संयोग है कहा जा सकता है। मंदिर के जस्ट बाजू में वो कुंड है, तो कुंड में से चमत्कारी पानी निकलता है बोल रहे थे पंडित जी, और काफ़ी सारे असाध्य रोगों में वो पानी फ़ायदा करता है बता रहे थे। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है वो भी लेके जाते हैं बता रहे थे पानी को, और अपने शरीर पे लगाते हैं तो उससे ठीक होता है ऐसा करके पंडित जी बता रहे थे। शंकर भगवान के बहुत अच्छे से हो गया दर्शन और आप लोगों को भी मैंने करा दिया, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। शिव शंभू।